और क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद रूस से एक ऐसी तस्वीर आई है जो यूक्रेन के लिए बड़ा सदमा साबित हो सकती है। रूस ने यूक्रेन को कड़ा संदेश देने के लिए मॉस्को में बड़ी तैयारी की। महायुद्ध की भयंकर तैयारी है, अब रूस के विक्ट्री डे की बारी है। ये तस्वीरें मॉस्को से आई हैं। मॉस्को में विक्ट्री डे की बड़ी तैयारी है। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद पहली बार मॉस्को से विक्ट्री डे परेड को लेकर ऐसी तस्वीरें आई हैं। हर साल रूस 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है, इस साल भी वो विजय दिवस की परेड हमेशा की तरह बड़े स्तर पर करने जा रहा है, जिसमें रूस की सैन्य ताकत भी दिखेगी और रूस की चुनौती भी। विक्ट्री डे परेड में कई विदेशी मेहमानों के शामिल होने की संभावना है, जिन्हें क्रेमलिन बुलाया जाएगा। क्रेमलिन पर अटैक के बावजूद विक्ट्री डे परेड को लेकर रूस की तैयारी में कोई कमी नहीं है। रूस ने यूक्रेन को बड़ा सबक सिखाने का इरादा बनाया है। क्रेमलिन पर हमले की कोशिश विक्ट्री डे परेड से चंद दिन पहले ही हुई थी। ऐसे में रूस ने सुरक्षा को लेकर भी बड़ी तैयारी की है। परिंदा भी पर न मार सके, मॉस्को में ऐसा चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। इस बार विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं।